नीति के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब तो सत्ताधारी दल के विधायक ने कहा है कि नीतीश कुमार जो कानून बनाते हैं वो कानून जमीन पर आते आते बदल जाता है। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है और सरकार इसको शराबबंदी को लागू करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस छापेमारी करने गई थी, तभी पुलिस को देखकर एक युवक भागा जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक परिजनों से मिलने पहुंचे थे मीनापुर के विधायक मुन्ना यादव, जहां उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ एक नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया है और शराबबंदी पर सवाल उठा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को एक बार फिर से समीक्षा बैठक करनी चाहिए। मुन्ना यादव ने ही अब नीतीश कुमार की पोल खोल दी है शराबबंदी को। देखिए, हम पहले भी कई बार हमने कहा है कि शराबबंदी जो है वो बिल्कुल सरजमीन पर फेल है। राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है और इनके जो मिशनरी हैं जिनको जवाबदेही है शराबबंदी का, वो लोग भी दावा कर रहा है, लेकिन प्रतिदिन जिस तरह से करोड़ों रुपए का शराब मुजफ्फरपुर में पकड़ा जा रहा है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, और हम लोग बोलते थे तो ये कहा जाता था कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये सरकार के नीति के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब तो सत्ताधारी दल के विधायक ने कहा है कि नीतीश कुमार जो कानून बनाते हैं वो कानून जमीन पर आते आते बदल जाता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे उस पर तो सत्ताधारी दल के विधायक ने ऐसा बयान देकर उसका पुष्टि कर दिया है। बहुत क्लियर है कि न बिहार में शराबबंदी है, न कहीं कोई इफेक्ट इसका है। अब आज कल भी लगातार देख रहे हैं मीडिया में कि शराब का जांच करने पुलिस जा रही है और उस पर जानलेवा हमला हो रहा है और पुलिस घायल हो रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है और सरकार इसको शराबबंदी को लागू करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। तो जब मुन्ना यादव ने कहा कि शराब माफियाओं के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें थाने को फूंक दिया गया, थाने में के गाड़ी को फूंक दिया गया है, तो फिर प्रशासन पहले कदम क्यों? भाई, तो हम तो वही ना कह रहे हैं कि सरकारी संरक्षण में शराब माफिया इतना ताकतवर और मनवरू हो गए हैं कि उनके सामने पुलिस प्रशासन भी कोई चीज नहीं है। तभी तो गढ़ा थाना को फूंक दिया गया, सरकारी वाहनों में आग लगा दिया गया, कई तरह का उपद्रव हुआ, पुलिस जख्मी हुए, इसी का परिणाम न है? यदि सरकार का संरक्षण शराब माफिया को नहीं मिले तो इतना बड़ा कदम उठाने का उनका हैसियत है क्या? ये टोटल सरकारी संरक्षण में शराब का व्यवसाय फल फूल रहा है, शराबबंदी विफल है और इसकी पुष्टि सत्ताधारी दल का विधायक ने किया है। ये जमीनी सच्चाई है जिसको उन्होंने बयां किया है। जहाँ तक शराबबंदी को लेके अति पिछड़ा वर्ग जो है ज़्यादा प्रतापित हुआ है, अब जो है उनके गठबंधन के लोग ही इस पूरे मामले का जो है कटाक्ष कर दिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए, शराबबंदी अभियान में जो लोग लगे हैं, हालांकि इसको रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी राशि सरकार ने लगाया है, ड्रोन खरीदा कि हम ऊपर में आकाश से दारू पकड़ेंगे, गंगा नदी और जो जिस नदियों से शराब का स्मगलिंग होने की बात सामने आई थी वहां सरकारी बोट लगाकर पुलिस को वहां तैनात किया गया और गश्ती कराया गया, ये सारा का सारा फेल हो गया ना। आज जो अपराध बढ़ा है, चूंकि पुलिस का ध्यान शराब की तरफ रहता है तो वो न शराब पकड़ पाता है, उल्टे जान जोखिम में हो जाता है, और शराब पकड़ने जाता है तो जान भी पुलिस का वहाँ गंवाना पड़ता है। हाल ही के दिनों में घटना घटी है। तो अति पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग को ये उठाने और उनके हित की जो बात करते हैं, तो आप देखिए ना कि बिहार के जेलों में जितने लोग बंद हैं उसमें किस समाज के लोग बंद हैं, कौन लोग बंद हैं? समाज के गरीब तबके के लोग, उसमें भी अधिकतर बेकसूर लोग हजारों के संख्या में बंद है और कोई उनका पूछने वाला नहीं है, उनका सुधि लेने वाला नहीं है। तो ये सरकार का कथनी और करनी में भारी अंतर है। ये केवल
ही केवल सत्ता में बने रहने के लिए अति पिछड़ा पिछड़ा और समाज के कमजोर वर्गों का बात करके उनको ठगने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि समीक्षा बैठक की जरूरत है। अरे क्या समीक्षा ही करेंगे, क्या समीक्षा करेंगे, इनका तो टोटल मशीनरी फेल हो गया इसमें। और जो अधिकारी इसमें लगाए गए हैं वो मालो माल हो गई, क्या समीक्षा करेंगे, किसके बदौलत ये शराब रोकने का बात करेंगे। जो भी जहां है सब अपने अपने फिराक में लगा हुआ। तो अब तो विपक्ष के साथ साथ महागठबंधन के लोग भी मान लिए हैं कि शराबबंदी नहीं है बिहार में। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो वो नहीं मान रहे थे। जब अपने पर कुछ पड़ता है ना तब समझ में आता है कि असल बात क्या है। हम लोग बोलते थे तो हम विपक्षी हैं इसलिए बोल रहे हैं, और जब अपना पर पड़ा है तब समझ में आ गया है कि सही चीज विपक्ष के लोग सही बात बोल रहे हैं। तो जैसा कि तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार थे, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा पूर्ण शराबबंदी का चाहे जितना भी बात कहा जाए समर्थन किया जाए, लेकिन बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है और गठबंधन के लोग ही अब इस पर मुहर लगा दिए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।